ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब पिछले वीडियो में आपने जाना कैसे भगवान विष्णु को भ्रूण हत्या का दोष लग गया था और उन्होंने पाशुपत व्रत का पालन किया और भगवान शिव की कृपा से उस दोष से निवृत्ति पाई। अब उन्होंने भगवान शिव से दर्शन का आग्रह किया तो भगवान ने उन्हें और तपस्या करने के लिए कहा, जिससे फिर उन्होंने एक दिव्य मूर्ति के रूप में, एक दिव्य स्वरूप के माध्यम से, जो ऐसा रूप जो योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे स्वरूप में भगवान विष्णु को भगवान शिव ने दर्शन दिया। उस दिव्य स्वरूप का नाम है सोमास्कंद। ये 64 भगवान शिव की जो 64 या 64 जो मूर्तिज है उनमें एक है। बहुत दिव्य रूप है। पिछले वीडियो में मैंने पूरी उसकी डिटेल बताई थी। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक में जाकर आप, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आगे मैंने वीडियो के लास्ट में बताया था कि हम जानेंगे कि कैसे वो मूर्ति तिरुवारूर में स्थापित हुई, वो सोमास्कंद विग्रह कैसे कमलाले या तिरुवारूर में पहुंचा। अब भगवान विष्णु ने भगवान महेश्वर से अनुमति लेकर उस शिवलिंग को रतन जड़ित करवा के, रतन से संपुटित करवा कर अपनी छाती पर स्थापित कर लिया और वो महासागर में जाकर सो गए। अब श्रीपति यानी भगवान विष्णु के सोने पर जो श्वास प्रवास, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसके दौरान वो शिवलिंग हिलने लगा, जिससे भगवान शिव विचलित हुए और तांडव करते हुए हंस नृत्य करने लगे। अब तांडव में भी हंस नृत्य, मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि तांडव 108 प्रकार का है। वो एक एक वीडियो, एक एक तांडव की पूरी डिटेल में आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कौन से 108 प्रकार के वो तांडव है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अब भगवान उस अवस्था में हंस नृत्य करने लगे। योगियों ने उनकी स्तुति की, ध्यान लगाकर उन्होंने जब भगवान के इस नृत्य को देखा तो उन योगियों ने भगवान शिव के उस नृत्य की स्तुति करी और मोक्ष की प्राप्ति की। अब बाद में किसी समय असुरों से, दैत्यों से डरे हुए इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने जाग करके उस दिव्य त्यागराज या उस दिव्य सोमास्कंद मूर्ति को इंद्र को दे दिया और उससे कहा कि तुम इसकी प्रतिदिन पूजा करो, जिससे तुम्हें हमेशा जीत मिलेगी, हमेशा तुम विजयी रहोगे। अब इंद्र उस मूर्ति को लेकर चले गए। भगवान विष्णु ने इंद्र के कहने पर ही, इंद्र के उद्धार के लिए ही चक्र से जो कृत्य किया उसके अंतर्गत उन्हें भ्रूण हत्या का दोष लगा था। भगवान विष्णु इंद्र को वैभव संपन्न करके स्वयं क्षीर समुद्र में सो गए थे। भगवान विष्णु श्री हरि जगत के पालनहार है, वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। हमेशा से ही कितने कष्टों के अवतार धारण करके भगवान ने जगत का उद्धार किया है। श्री हरि ठाकुर जी भगवान विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम। जिस दैत्य से डरकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में आए थे, ठाकुर जी श्री हरि भगवान विष्णु ने उठ करके, जग करके उस दैत्य का अपने चक्र से संहार किया, उसका वध किया, फिर त्यागराज की मूर्ति इंद्र को समर्पित की, उसको दी और फिर पुनः जाकर क्षीर सागर में जाकर सो गए। अब इंद्र ने वो त्यागराज की मूर्ति, वो सोमास्कंद की मूर्ति लेकर स्वर्ग में उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। छत्र, शंखनाद, जवंतिका, पुष्पों की माला इत्यादि से पूर्ण वैभव के साथ इंद्र हमेशा त्यागराज मूर्ति की स्तुति करते थे, जिससे उन्हें असीम वैभव की प्राप्ति हुई और वो हमेशा विजयी होते रहे। महर्षि अगस्त जी बताने लगे कि जब इंद्र त्यागराज की स्तुति कर रहा था, इंद्र त्यागराज की नित्य पूजा कर रहा था, उसी बीच भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश के एक उद्यान में, एक बगीचे में जा पहुंचे। वहां उस बगीचे में अनेक रंगों के पुष्प खिले हुए थे, नई कोमल घास उगी हुई थी और अनेक रंगों के पक्षी वहां पर कूज रहे थे, चहचहा रहे थे। कामदेव का दर्प हरण कर चुके, कामदेव का अहंकार नष्ट कर चुके श्री हर यानी भगवान शिव ने माता पार्वती, देवी पार्वती को
फूलों के गहने बनाकर सजाना शुरू किया और माँ भगवती ने भी, देवी पार्वती ने भी फूलों, उन पुष्पों के गहने धारण करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। वहां एक श्रीफल वृक्ष के मूल में पुष्प की सैया पर यानी फूलों की सेज पर माँ भगवती बैठी थी और उनके गोद में सिर रखकर वो श्री हर सोए हुए थे जो हर मनुष्य, हर जीव के हृदय में सोते हैं और ध्यान के द्वारा वो जगाए जाते हैं। आप अपने हृदय में उनको जगा सकते हैं। वही प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में सोए हुए, प्रत्येक जीव के हृदय में व्याप्त वो भगवान शिव माता पार्वती की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय सूर्य पश्चिम दिशा में था, कुछ ही देर में प्रदोष काल होने वाला था। जिस प्रदोष काल में बेलपत्र से पूजा करने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उस समय में एक काले मुंह का लंगूर बंदर उस श्रीफल वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ था। अब कथा आगे बढ़ाए उससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं। श्रीफल अभी के समय में नारियल को कहते हैं, लेकिन प्राचीन समय से श्रीफल, जो असली श्रीफल होता है, वो बिल्व वृक्ष होता है, बिल्व होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति माँ लक्ष्मी के स्तन से उत्पत्ति हुई थी। ये भी एक कथा है, मैं कभी आपको बताऊंगा। बिल्वाष्टकम में भी ये लाइन एक आती है जिसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुए वृक्ष को प्रणाम है। बिल्व वृक्ष को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यथार्थ रूप से या वास्तविक रूप से जो श्रीफल है वो बिल्व है, तो इसलिए यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। श्रीफल अभी के समय में लोग नारियल को कहने लग गए हैं, लेकिन जो असली श्रीफल है वो बिल्व है। अब उस वृक्ष पर एक काले मुंह का बंदर चढ़ा हुआ। अब देखिए यहाँ कितनी दिव्य घटना घटित हुई, कितने कितने दयालु हैं हमारे स्वामी, कितने दयालु हैं भगवान शिव। वो बंदर उस समय जब वो प्रदोष काल हो रहा था, संयोग वश मान लीजिए या उसकी किस्मत मान लीजिए, उसका लक मान लीजिए, कुछ भी, वो बंदर उस बिल्व वृक्ष पर कूद फांद कर रहा था, वो उछल रहा था इधर से उधर। हुआ क्या कि वो प्रदोष काल भी हो गया था और वो उछल कूद भी कर रहा था, बिना कटे हुए और कोमल बिल्व पत्थर टूट कर गिरने लगे और वो माँ भगवती समेत भगवान शिव के चरणों पर गिरने लगे। अब ना तो उस बेचारे लंगूर को इस बात का पता था, वो अपने स्वभाव के बस इधर उधर उछल रहा था, लेकिन वो बिल पत्र, कोमल और बिना कटे हुए बिल पत्र भगवान के चरणों में गिरने लगे। लेकिन भगवान शिव कुछ नहीं बोले, वो 108 पत्ते होने तक ऐसे बिल्कुल शांत अवस्था में, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, 108 पत्ते हो गिरने तक गिनते रहे। और 108 पत्ते जब पूर्ण हो गए तब भगवान शिव उठकर बैठ गए। उन्होंने माँ भगवती को, देवी पार्वती को उस लंगूर को दिखाया। माँ भगवती ने भी उस लंगूर पर दृष्टि डाली। अब भगवान शिव ने उसे इशारे से बुलाया। अब वो बंदर भी समझ गया था, वो तुरंत नीचे आया और माँ भगवती और भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके चरणों में गिर गया। बिल्वार्पण से प्रसन्न हुए भगवान शिव ने उस बंदर से कहा कि तू 108 वर्षों तक पृथ्वी पर छत्रपति होकर राज्य कर, तेरा जन्म मनुवंश में होगा। अब भगवान की बात सुनकर देखिए कितना विचित्र, क्या दिव्य घटनाक्रम है। ये ऐसा वरदान सुनकर भी वो बंदर रोने लग गया। उसने कहा कि प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, जिसे राज्य पसंद हुआ आप उसे राज्य दीजिए, मुझे राज्य बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। आपकी चरण सेवा करने पर जो फल स्वरूप यदि मुझे भोग या राज्य मिलेगा तो जन्म बंध से छुटकारे का उपाय दूसरा है ही क्या। हे प्रभु, राज्य तो आपकी भक्ति में बाधा है, मुझे पृथ्वी पर जन्म मत दीजिए। कुल गोत्र जाति और राज्य सत्ता इन सब के अभिमान से मैं आपकी भक्ति से दूर हो जाऊंगा। आपकी भक्ति मोक्ष का कारण है, आपके चरणों में मुझे नित्य भक्ति ही मिले। आपकी सन्निधि में मैं आपके दासों का दास बनना स्वीकार करता हूं। प्रभु इस वरदान के माध्यम से तो मुझे आप धोखा दे रहे हैं। हे करुणा दृष्टि डालने वाले प्रभु, मुझ पर भी दया दृष्टि करिए।
मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। जहां शिवा शिव की भक्ति ना हो वहां जन्म लेना बेकार है। जहां भगवान शिव की पूजा ना हो वहां जन्म लेना बेकार है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर दया दृष्टि डालिए। दुख करते हुए, ऐसे शोक करते हुए उस वानर को भगवान ने ढांढस बंधाते हुए, धीरज बंधाते हुए कहा कि जैसा मैंने कहा है उस आदेश का तू पालन कर, क्योंकि वेदों में ऐसा ही वर्णित है कि अनजाने में की हुई मेरी अर्चना, मेरी पूजा भोग देने वाली होती है और जानबूझकर विधिवत तरीके से प्रदोष काल में की हुई मेरी पूजा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अब ये एक ऐसा रहस्य है जो हर एक शिव भक्त को अवश्य ही जानना चाहिए। प्रदोष काल का बहुत ज्यादा महत्व है। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, जो शिव भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं, उनको मेरा प्रणाम है। वो इस तथ्य को भली भांति जानते होंगे कि प्रदोष का कितना ज्यादा महत्व है। इसे मैं दीपदान के लिए तो आपको हमेशा ही बताता रहता हूं, संभव हो सके तो एक बिलपत्र और एक दीपक नित्य आप भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अब भगवान ने कहा कि अनजाने में की हुई मेरी पूजा, मेरी अर्चना भोग देने वाली है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी आप लोगों ने इस महाशिवरात्रि का व्रत किया होगा, उसके महात्म्य में आपने एक कथा सुनी होगी कि एक भील एक बिल वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ था और अनजाने में पूरी रात्रि उसके द्वारा हिलाए जाने पर बिल पत्र गिर कर नीचे स्थापित शिवलिंग पर अर्पित होते रहे, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए थे। वही भील अगले जन्म में भोग प्राप्त करते हुए निषाद राज गुह के रूप में अवतरित हुए और भगवान श्री राम से उनकी मित्रता हुई। उन्होंने निषाद राज राज्य का अधिपति होने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन ये अनजाने में की हुई पूजा उस भील को भोग की ओर ले गई, ना कि मोक्ष की ओर। इसलिए भगवान ने कहा कि अनजाने में की हुई पूजा भोग देने वाली है और जानबूझकर विधिवत तरीके से प्रदोष काल में की हुई पूजा मोक्ष देने वाली होती है। अब भगवान ने कहा कि वैराग्यवान या वैराग्य से संपन्न व्यक्ति यदि प्रदोष काल में एक बेलपत्र भी मुझ पर अर्पित करता है नित्य, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा कि तू एक जन्म ग्रहण कर और देवताओं को भी दुर्लभ भोगों का उपभोग कर, जन्म की समाप्ति पर मेरा विज्ञान पाकर तू मेरा पद प्राप्त कर लेगा। भूतल पर भी इंद्र से मित्रता के कारण तुझे वहां भी हम दोनों के दर्शन प्राप्त होंगे, यानी माँ भगवती के और भगवान शिव के। इसलिए तू शोक त्याग दे, संताप करना तेरे योग्य नहीं, क्योंकि तू मेरा भक्त है। अब तू जाकर पृथ्वी पर जन्म ले। भगवान की बात सुनकर वो वानर विनती करने लगा और विनयपूर्वक उसने कहा कि प्रभु, वास्तविकता मुझे हमेशा याद रहे कि यहां पर क्या हुआ था, मैं कौन हूं, यह याद मुझे हमेशा बनी रहे, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, इसके लिए मुझे यही मुख पृथ्वी पर भी प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ये वानर मनुकुल में मुचकुंद राजा के नाम से विख्यात हुए, वही मुचकुंद जिसने भगवान श्री कृष्ण की सहायता करी और काल यवन का वध किया। अब मुचकुंद ही वो राजा थे जिन्होंने त्यागराज उस सोमास्कंद विग्रह को पृथ्वी पर तिरुवारूर में स्थापित किया। वो क्या कथा थी, इंद्र के साथ मुचकुंद की कैसे मित्रता हुई, वो सब घटनाक्रम अगले वीडियो में हम जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। कमेंट में नमस्शिवाय अवश्य लिखे, वीडियो को लाइक करें और दूसरे शिव भक्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।